तो गाइज दिस इज वीडा। तो ओके गाइज दिस इज वीडा और मैं वीडा के ऊपर अभी चल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो भाई किस है, ये कुत्ता भी आ जा रहा है भाई, इसको भी शॉट में ले लो। तो गाइज दिस इज वीडा, हाउ इज दिस, मस्त चल रहा है गाइज। ये अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई मस्त चल रहा है। अगर मैं ये देखे ये जो कर्व कर रहा हूँ ना भाई, एकदम मस्त से कर्व हो जा रहा है। कुत्ता सामने आ गया बट कोई बात नहीं, शॉट ले लेंगे। तो गाइस इस तरफ से कुछ आता है गाड़ी और भाई इसका चलाने का ना भाई एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस ये है गाइस हीरो जो कि पैरेंट कंपनी है और उसकी तरफ से आता है वीडा प्रो करके जो सेकेंड वर्जन है। इसका एक प्लस मॉडल भी है गाइस जो कि भाई एकदम अभी तक का अगर इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो भाई बहुत ही मस्त चल रहा है। अगर ओला या फिर एथर वगैरह को कंपेयर करते हैं भाई, मुझे अभी तक ये बेस्ट लगा है। और बाकी गाइस इसकी रनिंग स्पीड की देखा है भाई, इको मोड पे हमने चलाया जो कि अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेता है। इसका और भी रनिंग वीडियो हमारे पास चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस इस वीडियो में आपको जो है ना पूरा लुक में दिखाता हूँ किस तरह से लुक वगैरह है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा गाइस। तो जैसा यहाँ पे देख सकते हो गाइस ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको पूरा बड़ा सा डिस्प्ले आपको मिल जाता है और ये टच सेंसिटिव डिस्प्ले है, यहीं से आप ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑन तो यहाँ से करना होता है, ये वाला ऑन वाला बटन है गाइस, इसको दबाओगे तो ऑन कर सकते हो। आपको इसको पकड़ करके क्लच वाले पकड़ करके ऑन करना होता है। बेसिकली ये ब्रेक है, दोनों तरफ ब्रेक आता है और यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखा है और इस तरह से ऊपर ओवरलुक है गाइस। नई नई गाड़ी है भाई, देखो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। कलर की बात करें तो गाइस ये वाला रेड वाला कलर है जैसा ये देख सकते हो। और बैक लाइट की अगर बात करें तो भाई पीछे हमें जो है ना अच्छा खासा लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर है छोटा सा मिल जाता है और लाइट एकदम ही अच्छा है। कैमरे में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा बट एक्चुअली में रियल लाइफ में जो है ना अच्छा लग रहा है। कलर रियल लाइफ देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी मेन बात है कि ये जो स्पेस दिया है ना गाइस, इसको अगर बूट स्पेस ही कह लो तो भाई आराम से देख सकते हो मेरा 10 नंबर का जूता आता है तो भाई इतना बड़ा है। तो आराम से टैंक वगैरह या फिर वाटर कैन वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, टायर्स वगैरह रख सकते हो। और फ्रंट की बात करें तो गाइस फ्रंट का कुछ इस तरह से लुक आता है, कुछ ऐसा लुक है गाइस। और टायर्स की अगर बात करें तो भाई टायर्स यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा दिया है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये वाला MRF का टायर दिया गया है और ओवरऑल साइज जो यूजुअल आपको जो इलेक्ट्रिक बाइक में जो आता है उस हिसाब से एवरेज है, बट कहीं ना कहीं ये मुझे ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बशर्ते अगर वो एक्टिवा नॉर्मल गाड़ी की अगर कंपेयर करते हो, उसके टायर से अगर कंपेयर करते हो तो भाई वे डिफरेंट है गाइस इसका टायर। और इसमें जो है ना डबल शॉक्स दिया है जैसा इस तरह से देख सकते हो। फ्रंट में आपको दो हेडलैम्प दिया गया है और ये वाला लाइट भी जलता है एक्चुअली। और इंडिकेटर्स वगैरह ऊपर में दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर है। और लेफ्ट साइड के लुक करें तो भाई अगर फुट रेस्ट की बात करें तो भाई ए फुट रेस्ट आपको अंदर बाहर यहाँ से हो जाता है। और बैक साइड में बैठने वालों के लिए फुट रेस्ट ये है, सामने वाले वहाँ रख सकते हो। स्टैंड वगैरह कुछ तो इस तरह से है। और इंजन की बात करें तो ऑफकोर्स जो है ना ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मोटर अंदर के अंदर है। और टायर अगेन यहाँ देखा जाए तो बड़ा साइज वाला टायर दिया गया है। तो ओवरऑल गाइस कुछ इस तरह से है ये गाड़ी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आई एम श्योर कि पसंद आया होगा। इस गाड़ी के बारे में गाइस आपको कुछ भी सवाल जवाब कुछ भी क्वेश्चंस है और इसका जो है ना डिटेल रिव्यू भी आएगा, हर एक फंक्शनैलिटी ऐप कैसे काम करता है, किस तरह से क्रूज कंट्रोल बैटरी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहां से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल। हाँ यहाँ पे देख सकते हो गाइस मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, वाओ डॉक्यूमेंट रखा जा सकता है। और यहाँ पे ये बैटरी दिखा रहा है, बैटरी का कितना पावर है वो दिखा रहा है भाई। साउंड वगैरह दिया है तो इसका भी हम ना एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कुछ दिन चलाने के बाद में। एंड यहाँ पे डिस्प्ले का वो देखो भाई, डिज़ाइन वगैरह भी चेंज किया जा सकता है। तो आई थिंक स्पीडोमीटर वगैरह का जो सीन रहता है ना, ब्राइटनेस लाइट वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है। एंड गैस ब्रांड न्यू गाड़ी है गैस, ये देख सकते हो। और यहाँ पे बस छोटा सा ओवरलुक देता हूँ, इस बटन से किल स्विच है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये आपका जाकर के जो है ना पार्किंग के लिए काम आएगा, है ना। और ये वाला क्रूज कंट्रोल का बटन है गाइस और ये ऑन एंड ऑफ। और यहाँ पे दिया है मोड कंट्रोल करने का, इको स्पोर्ट्स मोड वगैरह कर सकते हैं जो कि आपको आने वाले वीडियोस वगैरह में आपको दिखेंगे, तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन दिया है, लॉक यहाँ से भी कर सकते हो गाइस, लॉक अनलॉक वगैरह। और ये आई थिंक चार्जिंग का होगा ना, ये चार्जिंग के लिए है। हाँ ये गाइस चार्जिंग का सॉकेट है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये मोबाइल चार्ज करने के लिए, अच्छा मोबाइल चार्जिंग का USB यहाँ पे दिया है। इसमें कैसा फास्ट चार्ज आता है कि नॉर्मल चार्ज आता है? अच्छा तो अभी हमें भी पता नहीं गाइस, तो इसके बारे में चेक करेंगे। बाकी गाइस आपके मन में कुछ भी सवाल क्वेश्चंस वगैरह तो कमेंट बॉक्स में डालो, हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे गाइस।